प्रैक्टिस कंपनी के द्वारा आयोजित ओलंपिक सन 2019 में स्कूल टीचर्स व छात्रों ने रुचि ली। आपको बता दें, प्रैक्टिस स्कूल व इंस्टीट्यूट को एग्जाम करवाने में मदद करती है। आज के समय में टीचर्स का 40% समय प्रश्न पत्र बनाने व चेक करने में लग जाता है। प्रैक्टिस पहली कंपनी है जिसने इस कार्य को टीचर्स के लिए आसान बनाया है। प्रैक्टिस पेपर भी पेपर तैयार भी करवाती है व पेपर चेक भी कराती है। यह सारा कार्य एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। प्रैक्टिस कंपनी गुड़गांव के बाद लगभग एक वर्ष से करनाल में दे रही है सेवा। वहीं करनाल के निजी होटल में 8 बच्चों सहित अध्यापकों को भी किया सम्मानित। कार्यक्रम था आज का? आज का कार्यक्रम 20 अक्टूबर को प्रैक्टिस द्वारा ओलंपियाड कंडक्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें सोनीपत और करनाल के स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर 500 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 8 टॉपर्स निकले हैं करनाल के, जिनके लिए ये हमने आज आयोजन किया है, जिसमें कि उनको सर्टिफिकेट और मेडल द्वारा सम्मानित किया। मैं प्रेरणा विज हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ प्रैक्टिस की, तो मैं ही सब कुछ आयोजन करती हूँ। तो आज ये उनको सम्मान करने के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को ये आयोजन किया। मैम, उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य बेसिकली प्रैक्टिस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जो स्कूलों में एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली टीचर्स उसमें 40-45% बिजी रहती है, उनके पास बहुत बर्डन हो जाता है। तो एग्ज़ाम्स हम प्रैक्टिस कंडक्ट करवाएंगे। हम स्कूलों के साथ इनरोल कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनके साथ इनरोल करेंगे और एग्ज़ाम एंड टू एंड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें हम एक स्पेशल तरह का एनालिसिस देंगे, जिसमें बच्चों को उनकी कहाँ पे किस जगह पे वो कमज़ोर है, ये चैप्टर वाइज स्कूल वाइज एनालिसिस होगा, जिसमें बच्चों को ये पता चलेगा वो किस चैप्टर में कमज़ोर है, ताकि वो वाइजली प्रिपेयर कर सके, स्मार्टली प्रिपेयर कर सके। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी का यूज़ करते हुए हमने उसी को एक नई चीज़ डेवलप करी है कि बच्चे वाइजली प्रिपेयर कर पाएंगे, तो वो अगले टाइम में बेटर स्कोर कर पाएंगे। सभी स्कूलों के लिए मैम, ये प्राइवेट के लिए सभी स्कूलों के लिए, ये सभी स्कूलों के, जो स्कूल हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी, ये सभी स्कूलों के। युवाओं को क्या संदेश देंगे मैम? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि आज के हमारे चीफ गेस्ट ने भी कहा कि अच्छी पढ़ाई से पहले अच्छे इंसान बने, और मेरा यही संदेश है कि अच्छी पढ़ाई तभी आएगी जब आप अच्छे इंसान बन सकते। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेरणा है। थैंक यू। यार प्रैक्टिस के साथ जुड़े। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम राजीव चोपड़ा है, आई एम फ्रॉम आरसी क्लासेस। आज प्रैक्टिस कंपनी ने एक ओलंपियाड एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था, आज स्टूडेंट्स को सम्मानित किया है, इंस्टीट्यूट्स को ऑनर किया है, ये हम सबके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। ओलंपियाड एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है, जिसमें बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट रेलेवेंट भी जो है उनको नॉलेज शेयर करने का मौका मिला, और अपने जजमेंट भी हो जाते, एक प्रॉपर असेसमेंट का भी उन्हें एक हम कह सकते हैं जरिया मिल गया है। तो करनाल में ये एक बढ़ते कदम है शिक्षा के क्षेत्र में, अब जो है ग्रोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह ओलंपियाड एग्ज़ाम्स हो गए, और प्रैक्टिस कंपनी के जो भी ये एग्जामिनेशन हैं, ये मुझे लगता है डे बाय डे जो है एजुकेशन को एक नए मुकाम तक लेके जाएगा। सबसे पहले तो आज जितने भी अवार्डी हैं उन सबको और उनके अभिभावक जो उनके साथ यहाँ पहुँचे हैं, उन सबको मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, और उनके उज्ज्वल भविष्य के मंगल कामना करता हूँ। उनके साथ साथ प्रैक्टिस ग्रुप जो जिन्होंने ये ओलंपियाड एग्ज़ाम आयोजन किया और उन बच्चों को अवसर प्रदान किया कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, उनको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ, और उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन हैं वो आगे भी करते रहें, ताकि बच्चों को एक अपने आप को असेस करने का मौका मिल सके कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है, और वो इस तरह से अपने आप को निखारते हुए, ग्रूम करते हुए अपना भविष्य जो है वो सुधार सकें। दूसरी आज की जो मैंने अपनी बात रखी, उसमें इस बात पर बल दिया कि हम किताबों के साथ साथ जो हमारा जो प्रैक्टिकल जो जीवन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको भी हम सुधारें। हम ये देखें कि हमें जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। अगर हमारी शिक्षा हमारे जीवन के स्तर को नहीं सुधार सकती, हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा फ़ायदा किस में है और सभी का फ़ायदा किस में है, समाज, देश, वो सब हमारे एजेंडे में नहीं आते हैं, तो ऐसी शिक्षा हमारे काम की नहीं है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने एजेंडे में देश भी रखें और समाज भी रखें। प्रैक्टिस के साथ जुड़े हैं आप? प्रैक्टिस ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया करनाल के स्टूडेंट्स को इस ओलंपियाड के जरिए, कि बच्चे ही अपने टैलेंट को जज कर पाए कि हम कहाँ खड़े हैं,
क्योंकि सिर्फ एक कुएं के मेंढक की तरह से तो जी नहीं सकते बच्चे, उनको एक बहुत बड़े तालाब समुंदर में मैं कहूँगी कि आगे कंपटीशन में जाना है, उनको पता होना चाहिए कि उनकी नॉलेज कितनी है और उनको आगे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस ने इस ओलंपियाड के ज़रिए बच्चों को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चों ने अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ को जाना, अपनी कमियों को पहचाना और भविष्य में और ज़्यादा मेहनत करने की ये लोग ठानेंगे। थैंक यू प्रैक्टिस, आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है करनाल में एंड आई विश यू पीपल ऑल द लक एंड यू पीपल शुड डू वेरी वेल इन फ्यूचर कि हमारे बच्चों को इसी तरह से प्लेटफॉर्म मिलता रहे, ये लोग मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें और करनाल का, जिले का, देश का नाम रोशन करें। प्रैक्टिस के साथ आप जुड़े, आपको क्या फ़ायदे प्रैक्टिस से, क्या फ़ायदे? मैं दीपशिखा लाठर हूँ, मैं अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, मैं डीटेस पब्लिक स्कूल में हूँ और मैं कोचिंग कॉमर्स हब में ले रही हूँ जहाँ मेरी टीचर का नाम किरण नारंग है। प्रैक्टिस से मुझे पता चला है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ और आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी कौन सी कमियों को हटाना है। आई वुड लाइक टू थैंक माई मैम फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड हाउ आई कैन परफॉर्म वेल। थैंक यू।